हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। तो आज क्यों जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन? क्योंकि आज अंकुर का बर्थडे है, तो बहुत दिन से हम लोग ने बफे नहीं खाया था, तो सोचे इस बार चलते हैं बारबेक्यू नेशन। लास्ट ईयर हम लोग न्यू ईयर में गए थे, बिफोर का वीडियो आप लोग के लिए हम लोग बना नहीं पाए क्योंकि वो न्यू ईयर ईव था, तो वहाँ पे काफी साउंड और सब इंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए बना नहीं पाए थे। वैसे बिफोर भी इसके लिए बुफे के लिए अच्छा है, बट मुझे लगता है कि बारबेक्यू में वैरायटी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि आज क्यों ना आज तो बारबेक्यू चला पार्टी होने जाए। वाली है। आज स्टार्टर्स ही स्टार्टर्स चापा जाएगा। तो गाइज, हमने कैब बुक कर दिया है, बस वेट कर रहे कैब का आने का। जैसे ही आते हैं निकल पड़ते हैं। और अभी हो गया है 9:15, पता नहीं कितनी देर में कैब आएगा। हम बहुत लोग का बुकिंग है 9:30 9:30 का। का है बुकिंग। बस कैब आते हैं और चलते साथ में बारबेक्यू नेशन की ओर। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए समिट बिल्डिंग। अब जा रहे हैं हम लोग अंदर। यहाँ पे ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग बारबेक्यू नेशन। सो आप जा रहे हैं अंदर। अच्छा अच्छा वाइब है यहाँ पे, क्या कहते हो तानिया? हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। सब यंगस्टर्स ही है यहाँ पे मेरे। अच्छा, फर्जी कैफे भी इधर ही इसी में सर। ओके, यहाँ पे फोटोज भी मस्त आएंगे। नहीं हाँ, तो इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम में हम लोग को फॉलो कीजिए। फोटोज जो है इंस्टाग्राम में आप लोग को दिखेंगे। प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का। सो गाइज, आ गए हम लोग फाइनली बारबेक्यू नेशन में। लिफ्ट तो मिली नहीं रही थी भाई, इतना इतनी भसड़ है भाई साहब। चलिए चलते हैं अंदर और डायरेक्ट टेबल पे मिलते हैं। सो गाइज, वीकेंड में नॉनवेज बफे 899 प्लस टैक्सेस आपको पड़ेंगे, और वीक डेज में आई थिंक 799 प्लस टैक्स। ठीक है, तो वीकेंड में 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और किड्स अब तो 4 इयर्स एनी वेज फ्री है, और 4 to 6 इयर्स जस्ट हाफ रेट लगेंगे। लाइक वीक डेज में जैसे किड्स के लिए 469 रुपीज़। और इसी के साथ हम लोग के स्टार्टर्स भी लग गए, तो आप लोग दिखाते हैं स्टार्टर्स। सो गाइस, ये देखिए आ गए स्टार्टर्स। इसमें चिकन है, ये ग्रीन जो है ये फिश है, प्रॉन्स है। प्रॉन्स, चिकन एंड फिश है, सी फिश। तो गाइस, ये शायद पापड़ी चाट आ गया है, और ये पानी पूरी। एपेटाइजर्स, भूख बढ़ाने के लिए। इवान फिश खा रहा है, उसको फिश बहुत पसंद है। नाइस, मुझे बारबेक्यू में स्टार्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्टार्टर्स बहुत बहुत वैरायटीज है यहाँ पे। अगर आप लोग वेज वेज हो तो वेजिटेरियन के लिए भी स्टार्टर्स यहाँ पे आपको वैरायटीज मिल जाएंगे। ये क्या था? पापड़ी चाट क्या था ये? पापड़ी चाट ही है, काफी क्रिस्पी है। अच्छा था। ये बेसिकली एपेटाइजर्स है कि आप लोग अपनी भूख और बढ़ाएगी है। तो चलिए गाइस, हम लोग थोड़ा स्टार्टर्स खा लेते हैं, फिर आप लोगों को मेन कोर्स भी दिखाएंगे। हाँ, तो एक एक टेस्ट करते हैं और हाँ वो भी हाँ बताते हैं। हाँ वो भी ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिश से। तीखा है, टेस्ट अच्छा है बट तीखा है। अच्छा था ये फिश, मुझे अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है, टेस्ट है, बड़ा मजेदार, मेल्ट हो जा रहा है।
और ये प्रॉन्स है गाइस। प्रॉन्स अमेजिंग, बहुत ही मस्त है ये। कैसे विंग्स? अच्छा है। लेकिन विंग्स से भी अच्छा ना, मुझे अच्छा, वो मुझे फिश और प्रॉन्स। हाँ, मुझे पर्सनली अगर मेरी चॉइस पूछोगे तो मैं कहूँगा फिश का टेक्सचर की वजह से, फिश हरियाली। हाँ, वो अच्छा है। उसके बाद प्रॉन्स, देन चिकन। चिकन जो है उसमें जूसी जूसीनेस थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैं अगर रेट करूँगा तो फिश, देन प्रॉन्स, देन चिकन। और पापड़ी चाट? पापड़ी तो वो तो एपेटाइजर होता है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा पापड़ी चाट की वजह से। अच्छा है, बट अरे यार इसके साथ में कहाँ है, है ना? So guys, ये देखिए सीख कबाब आ गया है। अभी सीख कबाब टेस्ट करिए। तानिया तानिया टेस्ट करके बताओ। अच्छा है। अब तो मुझे सबसे बेस्ट सीख कबाब लग रहा है। अच्छा, काफी बढ़िया। So guys, आप लोगों को जरा टूर दे देते हैं बारबेक्यू नेशन का। बटर चिकन, ये क्या है, एग करी। मटन रोगन जोश, साथ में क्या है पता नहीं, ये मोस्ट प्रॉब्ली बिरयानी होगा। आगे चलते हैं, इधर सूप है, उस साइड प्रॉब्ली वेजिटेरियन है, तो ये शायद वेजिटेबल वेजिटेरियंस का बिरयानी है, सॉरी वेजिटेबल बिरयानी। इधर आप लोग देख सकते हैं सर, ये दाल मखनी और पनीर बटर मसाला। ये जैसे कि है पनीर बटर मसाला और इधर दाल मखनी है। येलो दाल तो सभी येलो होते भाई, येलो दाल क्या होता है। कढ़ाई वेज, अरे ये 1/2 करके जो रखा है ना, ये सही नहीं लग रहा मुझे यार। ये क्या है, कढ़ाई वेज और स्टीम्ड राइस और ये नूडल्स, नूडल्स एंड मंचूरियन, गोभी मंचूरियन। स्वीट्स की तरफ चलते हैं। क्या है स्वीट्स में, वेज में जैसे देख सकते हैं कुल्फी काउंटर है, मूंग दाल का हलवा, मेरे पर्सनल फेवरेट छोटे छोटे ये गुलाब जामुन। और आइसक्रीम के दो ही फ्लेवर है, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। सो गाइस, इसी के साथ टूर खत्म करते हैं और जाते हैं वापस अपने टेबल की ओर। मुझे स्टार्टर्स पर्सनली अच्छा लगा है और थोड़ा सा स्पाइसी तो जैसे इनका एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, अगर आप बोलेंगे कि आपको स्पाइसी चाहिए या आपको कम स्पाइसी चाहिए, अगर इनको बोलेंगे ये लोग उसी हिसाब से आपको कस्टमाइज करके देंगे। तो आ गए हम भैया वापस अपने टेबल पे। सो गाइस, इन लोगों ने जो है ना एक नए टाइप का फिश दिया है हम लोग को टेस्ट करने के लिए, तो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। ये है एक्चुअली बासा फिश, तो मैंने ट्राई किया है, काफी अच्छा एज पर टेस्ट। लाइक मुझे चाहिए था एकदम कम स्पाइसी, तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वो लोग प्रिपेयर करके दे रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस। तो मुझे अच्छा लगा।
क्योंकि इवान एकदम स्पाइसी नहीं खाता है, तो हम लोग ने बोला था एकदम कम स्पाइसी करने के लिए, तो वो लोग ने वैसा ही प्रिपेयर करके दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो मैं भी चलता हूँ जरा ट्राई कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी पता है क्या हुआ, इतनी देर से खा रही थी इसने पीस लिया और सीधे मुंह में डाल लिया और मुंह जल गया मैडम का, हंस रही है। मजा आया और ये वो तो इवो इवो तो वाटरमेलन खाया जा रहा है। तो गाइस मेन कोर्स ले आए, मेन कोर्स का टाइम है। ये लड़का तो कुछ नहीं खाता, ये सिर्फ केक केक कर रहा था, केक लेके आ गया है और सिर्फ मीठा खाता है, मीठा खाता है ये लड़का, तो कोई मतलब नहीं है कुछ और खाने से, खाते दो। तो सुबह ये इतने स्वीट है, उन्होंने स्पेशली अलग से मतलब स्पाइसी ना हो तो वैसा बिरयानी कुक करवा दिया और ये मटन भी दे दिया और जो मैंने प्लेट में रख लिया है ये जो। तो गाइस भैया ने जो स्पेशल बिरयानी बनाया सिर्फ हम लोग के लिए वो काफ़ी अच्छा है, और ये मटन बिरयानी जो नॉर्मल बिरयानी हम लोग लिए थे यहाँ पे वो मुझे बढ़िया नहीं लगी थी, लेकिन ये जो भैया स्पेशली बना के लेते हैं दिस इज़ ऑसम। सो गाइस डेजर्ट की बारी है, तो हम लोग के सामने अभी है गुलाब जामुन, छोटे छोटे गुलाब जामुन गरम 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 गुलाब जामुन और ये मूंग दाल का हलवा, ये रहे कुल्फी और ब्राउनी ब्राउनी पेस्ट्रीज जेली। मजे ले लो, तुम भी खाओ। Thank you so much. गाइस बहुत खा लिया, पेट भर गया, अब नींद आ रही है एक्चुअली, घर जाने का वक्त, रात भी हो गई है, 12:15 होने जा रहा है। केक यस। सो गाइस जैसे कि हम लोग ने बताया था बारबेक्यू नेशन जो है बहुत ही अच्छी जगह है, और हम लोग ने जो यहाँ का हॉस्पिटलिटी एक्सपीरियंस किया, अमेजिंग एक्सपीरियंस, जो सर्विस है स्पेशली सूरज कुमार यादव, तो भैया ने तो मतलब आउट ऑफ द वे जाके हम लोग को सर्विस दिया, हम लोग बहुत खुश हैं, और साथ में टेस्ट भी अच्छा था, बहुत अच्छा था इनका। सो थम्स अप टू बारबेक्यू नेशन गोमती नगर लखनऊ, और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।